हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले ह्यूमन बॉडी के दो इंपॉर्टेंट सिस्टम को, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। इसके प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा महत्वपूर्ण पार्ट कवर किया था, दैट इज आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, इसके प्रीवियस सेशन को पहले वॉच कीजिए, देन आफ्टर हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को पढ़ेंगे, ताकि आपका पूरा पार्ट कवर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस बात को समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, तो हमको सामान्यतः समझ में आता है सांस का अंदर लेना बाहर लेना, यही क्या है रेस्पिरेशन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट को समझें कि सांस का अंदर लेना और बाहर करना, दैट इज एक्चुअली अ ब्रीदिंग। वो से हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे तो आप सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, कुछ माउथ से भी चली जाती है। तो यहाँ पे नाक से लेकर आगे उसका पाथवे आपके लंग्स तक कैसे वो पहुँचता है, इससे रिलेटेड आपके एसएससी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने के संभावित लिस्ट में है, उन सभी बातों को हम समझेंगे। देन आफ्टर हम इसके हार्ट वाला पार्ट को जाएंगे, जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का आएगा, परिसंचरण तंत्र का पार्ट होगा। और यहाँ पे भी हमारा अप्रोच सिर्फ एसएससी एग्जाम का अप्रोच रहेगा, इस बात को हमको समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए, हम रेस्पिरेशन को अगर हम समझें तो इसे हम तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। पहला ये होता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन, जो सामान्यतः हम नाक से लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और इसमें भी फिर से आता है, अगर सांस हम अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं उसे एक्सपिरेशन कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं, ठीक है, या उच्छ्वसन कहते हैं। इस बात को सभी क्लियर हो गया, निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन इनसाइड, एक्सपिरेशन यानी निःश्वसन या उच्छ्वसन, दैट इज एक्सपिरेशन मतलब आउटसाइड, सांस का छोड़ना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या कौन सी गैस लेंगे, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन कौन सी गैस होती है, तो सामान्यतः हम इस बात को समझते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ों को मुख्यतः समझिए। वैसे हम जलवाष्प या वाटर वेपर भी लेते हैं, तो जलवाष्प आपका जो होता है एक और पार्ट होता है। जब इंस्पिरेशन होता है तो नाइट्रोजन का जो होता है कितना परसेंट लेते हैं, 79% उसमें नाइट्रोजन का कंपोजिशन होता है। जब हम ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं उसमें 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब आप कार्बन सांस लेते हैं तो उसमें CO2 का कितना परसेंटेज होता है, 0.03% होता है। लेकिन ये होता है किसमें, दैट इज अ इंस्पिरेशन। जब हम एक्सपिरेशन यानी सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, तब ये 79 के 79 हम पूरा एग्जिट कर देते हैं। जो 21% इनसाइड बॉडी में जाती है तो उसका जो है 17% यूज कर लिया जाता है, और मतलब यहां पे ये हो जाता है 4% यूज कर लिया जाता है और 17% फिर हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये होती है 4% जो होती है वो हमारे एक्सपिरेशन यानी कि बाहर सब सांस छोड़ते हैं उसमें कंपोजिशन होता है। तो सांस छोड़ते समय जब उस एयर का हम कॉम्पोजिशन लेंगे तो उसमें 79% नाइट्रोजन होगा, 17% जो होगा ऑक्सीजन होगा, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वाटर वेपर ये चेंजेबल होता है, ठीक है, कुछ सैचुरेट हो जाती है, तो इसलिए इसको उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये सभी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक और बात है कि जब सांस लिए हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन में तो दोनों चीज़ें हैं भाई, 79 और 21 और ये सब चीज़ें, मतलब काम की चीज़ें ऑक्सीजन है, और उसके बाद देखते हैं बाकी चीजें भी इसमें मिक्स्ड है। तो जब यहाँ पे यूज होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का एक्सचेंज जिसे कहते हैं, गैसों का विनिमय, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड एयर और डी ऑक्सीजनेटेड एयर यानी CO2 से वाला CO2 युक्त जो है एयर, तो ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड एयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीजें काम आएगी, एक होता है धमनी, एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को समझे, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, आर्टरी, आर्टरी और दूसरा होता है वेन, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें शुद्ध रक्त बहता आपको पता है, इसलिए अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे भी तो आप क्या लिखेंगे, शुद्ध का सू लिख दीजिए, तो उसके बाद आप किसके स्टार्टिंग वर्ड से जोड़ दीजिए,
तो इसका स्टार्टिंग वर्ड और इसका स्टार्टिंग वर्ड बन गया तो शुद्ध बन गया। तो इट मीन हम समझ गए कि आर्टरी में हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं सूसी बन रहा है, मतलब ये अब डी ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑब्वियसली हम फाइंड आउट तो कर ही लिए कि प्योर जो है ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड किस में सर्कुलेट होता है, दैट इज आर्टरी और वेन, आर्टरी और धमनी। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमको इसमें समझना है कि गैसों का विनिमय जो होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो यहाँ पे काम आता है आर्टरी और वेन। किसमें प्योर बह रहा है, किसमें प्योर बह रहा है, आर्टरी में, और किसमें डीऑक्सीजनेटेड है, वेन में। तो वहां पे एक्सचेंज में ये दो चीजें जो है, क्योंकि हम देखते हैं आपके रेस्पिरेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो काम करता है, दैट वी कॉल अ लंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। तो फेफड़ा का सबसे सबसे यूनिट अंतर, सबसे लास्ट की जो यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्विओलाई कहते हैं। तो उसी एल्विओलाई पार्ट से ही यही ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड पार्ट का एक्सचेंज होता है। तो ये इसका पार्ट हो गया। नाउ कम टू दिस पार्ट कि जब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन देखते हैं तो ये क्या होता है, आउटसाइड ऑफ दिस सेल होता है। सामान्यतः हम किसी कोशिका के बाहर होता है, कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस हम देखते हैं तो वहां पे दो चीजें आएंगी फिर से, एक होता है CO2, दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो वहां पे दो चीजें जब आएंगी, गैस का है, गैस का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा रहा है ये पूछा रहा है। तो सेल को चाहिए और क्या रिक्वायर्ड चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए, और वहां से क्या होता है, CO2 रिलीज भी होता है, तो वो उसको भी फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब वहां पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट इंट्रोड्यूस होगा, दैट वी कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन अटैच्ड होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये इसमें अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और कई बार हम दम घुटना जिसे हम कहते हैं, बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जब जो होता है हमारे बॉडी में चले जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिविटी के कारण जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हम उस पार्ट को समझेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। एंड द लास्ट वन, दैट इज दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये किसी भी सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, आपने सुना होगा क्रेब साइकिल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को समझ में आ गई, तो ये होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगा, उसमें क्या होगा, एनर्जी जो है आपको मिलेगी, ATP फॉर्मेशन होगा, और ये केमिकल रिएक्शन होता है, दिस इज द फिजिकल रिएक्शन, ये फिजिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस बात को समझ गए सभी, आगे बढ़े। तो अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो वन बाय वन थोड़ा सा हम इन बातों को एलाबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपके पास नोट्स बन सके और कुछ कंटेंट आप समझ पाए। सो केयरफुली देखिए, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमने वही कह दिया कि हम CO2 का एग्जिट करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनसाइड लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है जिसमें कि हमने ब्रीदिंग देखा, और ब्रीदिंग देखा तो इसमें क्या है, सांस का छोड़ना और अंदर लेना, इनसाइड है तो इंस्पिरेशन, एक्साइड है तो एक्सपिरेशन, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही परसेंटेज है मोटा मोटा, अब गवर्नमेंट सोच के हिसाब से मैंने वो लिस्ट नोट कराया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो होता है गैसों का जो एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज जो होता है फैली होती है, जिसमें कि लास्ट यूनिट को हम क्या कह रहे थे, एल्विओलाई कह रहे थे। और उस एल्विओलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का दबाव यहाँ पे काम करता है, वो होता है दाब में अंतर, कि दाब में अंतर यानी प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसी के कारण जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। देखिए केयरफुली कि वायु कोष्ठकों में यानी कि एयर जो एल्विओलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो जाता है तो वो क्या है, सीधा ऑक्सीजन किसमें चला जाता है, वेन द्वारा रक्त में पहुंचा दी जाती है, ठीक है, उसमें सिरा द्वारा पहुंचा दी जाती है। और सिराओं में उपस्थित अशुद्ध रक्त, क्योंकि हमको पता है किसमें बहती है, अशुद्ध रक्त जो होती है हमेशा क्या होती है, वेन में पहुंचती है, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 होता है वो एल्विओलाई में, एल्विओलाई की वायु में मिल जाती है, और गैसेस विनिमय जो होता है उसमें क्या होता है, हो जाता है, फाइनली क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, और आसानी से विसरण द्वारा यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो जाता है। तो सामान्यतः बस ये समझे कि इसमें दो बातें आपके SSC पॉइंट है उसे समझने वाली बात है। पहली बात यह है कि इसमें क्या है,
एक्सचेंज कैसे होता है, तो यहाँ पे काम आ रहा है कि यहाँ पे एल्वियोलाई के द्वारा होता है, कोष्ठकों के द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का बेसिक दाब में अंतर के कारण जो है आर्टरी और वेन के का जो है रोल होता है। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखना है, बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, नाउ दिस पार्ट की गैसों का परिवहन कैसे होता है, तो परिवहन में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में यहाँ पे इस बात को हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिकाओं या ऊतकों तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से फेफड़े तक निरंतर पहुंचना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, यानी लंग से सेल तक और सेल से फिर जो है वापस लंग्स तक, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट होगा। तो जब हम ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन समझेंगे तो हमारे बॉडी में क्या है 98.5% उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ होगा, आरबीसी यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। कितना परसेंट, 98.5%। अब बचा हुआ 1.5% किसके कारण होता है, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, तो आपको ये पता होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई, ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब CO2 का होता है तो चार टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का दो टाइप का हो गया, 98.5% आरबीसी कर लिया, बचा हुआ 1.5% प्लाज्मा कर दिया। CO2 का होगा तो चार टाइप से होगा, पहला होगा कि हम उसमें पहला तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तो Hb प्लस CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बामिनो जो है आपका हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब जहां दोनों बात करते हैं तो ये कौन सा CO2 ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो CO2 ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इस बात को यहां पे समझना होगा। और यहां पे जब बात करते हैं एक्सचेंज का जो दूसरा तरीका होता है वो प्लाज्मा में हो जाता है, थर्ड क्या होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, एंड फोर्थ वन दैट इज कार्बामिनो कंपाउंड के फॉर्म में हो जाता है। सो दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट मेथड, बस इतना याद रखें। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी या रिएक्टिविटी की बात करें तो CO2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन जो है O2 होगा। अगर हम CO को भी कर दे कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए जब हम यहाँ पे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड इन पहुंच जाएगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Hb के कारण बनता है। दूसरा क्या बनेगा कि उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रायोरिटी में सेकंड रहेगा और थर्ड उसके बाद ऑक्सीजन रहेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये बातें याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन जो किसमें होता है, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है या हम जिसे कहते हैं जीव द्रव्य में। ठीक है, तो सेल के अंदर ही होता है, इस बात को समझना होगा, जिसमें कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या क्या कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया डिफरेंट एग्जाम में, कई बार पूछा गया है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, एक कोशिका का अंग है। तो यहां पे होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगा। ऑक्सीजन के अभाव में होता है, मान लो ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम है लेकिन बहुत कम है, जितना रिक्वायर्ड है उस सेल को उतना नहीं है, तो वो क्या करता है वहां पे, अक्सर आप दौड़ते हैं अचानक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके मांसपेशियों में क्या दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन को जितना सेल को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतना नहीं हो पाता, और उसके बाद जो है आपके वहां पे सेल पे क्या है लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके थिकनिंग के कारण जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, मसल्स में दर्द होता है। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है कब, ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है उस केस में। ठीक, ये हमारी किस में होगी, आपके मसल सेल में होता है, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड के थिकनिंग के कारण जो है मांसपेशियों यानी कि आपके मसल्स में पेन होता है। एक पार्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में देखा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का पूरा एब्सेंस होगा ही नहीं बिल्कुल,
उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं पाइरूवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जब यहाँ पे देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 कार्बन बनते हैं, और जब यहाँ पे मसल सेल में होता है तो 3 कार्बन ही होते हैं, और यहाँ पे जब एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे सामान्यतः हमने ब्रीदिंग में क्या किया, दैट इज द नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ गैस, दैट इज द लाइक इनसाइड जो इसमें इंस्पिरेशन कहते हैं और आउटसाइड एक्सपिरेशन कहते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो किसी सेल में होता है, और सेल में जो होता है बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि एक ग्लूकोज के, ग्लूकोज से एनर्जी भी निकलती है तो उसका जो है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है एक्चुअली कहा जाए, तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वो ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, उसके जो है लाइक कमी से भी हो सकती है, अभाव में भी हो सकती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई, सिंपल है। अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जब बात करते हैं कि उसका पाथवे क्या होता है, तो इसका पाथवे यहाँ पे देखिए, दिस इज द, दैट इज अ नोज, नोज में 2 जो होते हैं होल होते हैं उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल का नंबर्स कितने, 2 होते हैं, तो उसके अंदर जैसे होते हैं वहाँ पे 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपके नोज में, नोज नॉस्ट्रिल में जैसे एयर अंदर जाता है तो वहाँ पे उसका कांटेक्ट किससे होता है, वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं जो जो डस्ट आदि को क्या करते हैं, रोक देते हैं। और दूसरा क्या पाया जाता है उसमें, स्लेस में या म्यूकस पाया जाता है, वो भी क्या होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, वो उसको भी वहाँ पर रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने अंदर लिया सांस को, तो ब्रीदिंग अंदर पहुँचता है, अंदर पहुँचता है नॉस्ट्रिल, नोज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से अंदर होते हुए, सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं नेसल पैसेज होता है, नेसल पैसेज से आगे बढ़ते हुए फाइनली हम बात करते हैं लैरिंग्स होते हुए, आपको यहाँ पे वोकल कार्ड होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ट्रैकिया से होते हुए यहाँ पे इस बात को देख रहे हैं, 2 ब्रांचेस हैं जिसमें देखिए कि एक होता है लंग्स का राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये एक कहना चाहिए पिंक कलर का जो होता है आपका लंग्स का कलर होता है, और फाइनली जब यहाँ एंटर करता है, तो एंटर करता है तो उसे हम क्या करते हैं, पहली ब्रांच जो बनती है उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस फर्दर ही क्या होती है, ब्रांच्ड हो जाती है और ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स फर्दर जो है और छोटे छोटे सैक या छोटे छोटे इस प्रकार चेंबर्स में डिवाइड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट जो होता है एक कहना चाहिए स्ट्रक्चर में, ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, डायफ्राम कहते हैं। तो ये बातें आप याद रखेंगे तो ओवरऑल क्या होता है आपका, इस प्रकार केज बन गया, एक केज बन गया, इसे रिब्स केज कहते हैं। तो ये कंप्लीट पार्ट में आपका लंग्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर आपका पाथवे पूछा जाए तो इजिली समझ जाएंगे, नोज नॉस्ट्रिल दैट इज द नेसल पैसेज, नेसल पैसेज देन दैट इज, इट इज पासिस फ्रॉम, पासिस थ्रू दैट इज द लैरिंग्स, देन द ट्रेकिया, देन द ब्रोंकस, ब्रोंकस देन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स देन एल्वियोलाई। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कम टू द एलैबोरेटिव पॉइंट, दैट इज यहाँ पे देखते हैं कि श्वसन तंत्र कई रंग है, जिसमें कि नोज में हमने देखा कि अग्रभाग में जो पाई जाती हैं बैक्टीरिया, डस्ट, ये सब जो है पोल्यूशन के कारण जो होता है, हाँ ना, वो सब चीज़ें आती हैं। और इसका इसमें का क्या होता है, यहाँ पे हेयर्स पाए जाते हैं, रोमयुक्त त्वचा पाई जाती है। ठीक है, इसमें ये बात याद रखें कि इसमें क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब्स का इसमें रिलेशन होता है, यानी कि आपके ऑल्फैक्टरी पावर को देखा जाता है, यानी कि आपकी सूंघने की पावर को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे कि सूंघने का काम भी होता है नोज का, आप सभी को पता होगा। नेजल कैविटी जिसमें म्यूकस होता है, वही बातें हैं सिंपल जो हमने अभी डिस्कस किया। देन आफ्टर हम यहाँ पे जब बात करते हैं, दैट इज अ फेरिंग्स, फेरिंग्स में क्या होता है, आगे बढ़ता है, फेरिंग्स के अंदर जो होता है एक जो है ये
रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एक इम्पॉर्टेंट जो है तंत्र है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें कि क्या होते हैं, ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस जो है श्वास नली में खुलती है। श्वास नली का मतलब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं। तो खाते समय क्या होता है, श्वसन मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। ये क्या है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ग्लॉटिक्स या क्या कहते हैं, ग्लॉटिक्स एक क्या होती है, या एक ऐसा जो है कहना चाहिए कार्टिलेज होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिक्स द्वारा वो क्या हो जाता है, ढक जाता है। और ढकने के बाद जो होता है, जब हम खाते हैं तो हमारा जो होता है खाना जो है उस जो है आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे वो पाथवे को क्लोज कर दिया जाता है, इसके द्वारा ढक दिया जाता है। और फाइनली क्या है, विंड पाइप या ट्रैकिया में जो है आगे पहुँचती है। कौन क्या पहुँचता है, आपका जो ब्रीदिंग है या सांस है, और वायु जो होती है आपके लैरिंग से होते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद देखते हैं ये लैरिंग्स का क्या काम है। इसमें लैरिंग्स को देखते हैं कि यह ग्रसनी फेरिंग्स को क्या करता है, श्वास नली से जोड़ता है। श्वास नली मतलब ट्रैकिया, ठीक है। तो ये पाथवे है। जब भी क्या होता है आपके इस स्वर यंत्र या फिर कहें इस लैरिंग्स में क्या होता है, एक चीज पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे ध्वनि उत्पन्न करने का मुख्य काम होता है ये। तो ये जो होता है, जब सीधा सीधा वहाँ वायु जो है कांटेक्ट में आती है, जब हम बोलते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ध्वनि या साउंड प्रोड्यूस होता है। और ध्वनि उत्पन्न करने के अतिरिक्त और क्या काम करता है, या ब्रीदिंग, खांसना, निगलना, ये सब जो है रेस्पिरेटरी पाथवे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपल सिंपल पॉइंट है, आप समझते चलें। और फेफड़ों को जोड़ने वाली, स्वर यंत्र और फेफड़ों को जोड़ने वाली, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स और यहाँ पे लंग्स को जोड़ने वाली नली क्या कहलाती है, ट्रकिया कहलाती है, ठीक है। क्या क्या कहा है हमने, दैट इज अस्वर यंत्र यानी लैरिंग्स प्लस लंग्स, एल प्लस एल, लैरिंग्स प्लस लंग्स को जो जोड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रकिया कहेंगे, ठीक। इस बात को क्लियर रखना याद, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हम जब, तो यहाँ पे देखिए कि ब्रोंकियोल्स जो ब्रांचेस बनना चालू होता है, तो यहाँ पे देखो ब्रोंकियोल्स बनता है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स वगैरह जो बनता है, उसमें ये होता है कि श्वास नली नीचे की ओर थोरैकिक कैविटी में पहुंचकर और दाएं और बाएं दो प्रकार के ब्रोंकाई या ब्रोंकस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठिका या वायु वाहिनियां या कुपिका वाहिनियां कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स कह सकते हैं या सैक कह सकते हैं। तो एल्वियोलाई या एयर सैक जो होता है वो क्या होती है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं। अब आपका ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा सबसे पहले याद रखिए युग्मित अंग है, मतलब दो लंग्स पाए जाएंगे, ठीक है। कितने लंग्स, टू लंग्स। कितने उसमें क्या है, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है उसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सी कैविटी में होता है, थोरैकिक कैविटी में होता है, ठीक है। और फेफड़ा क्या होता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, डबल लेयर होता है, याद रखें, ठीक। तो डबल लेयर होता है, तो तीन बातें हमने बताया, दो चैम्बर है, दो लंग्स होता है, उसमें जो है डबल लेयर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, उस वो कैविटी किसके अंदर होता है, थोरैकिक कैविटी में, वो फाइनली प्रोटेक्टेड होता है। और क्या होता है कि ऑलवेज क्या होता है, आपका राइट साइड का लंग, ठीक है, राइट साइड का लंग लेफ्ट साइड के लंग से बड़ा होता है। तो राइट क्या होगा, ये बड़ा होगा, लेफ्ट क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे इस बात को समझना है कि यहां पे देखिए कि नेक्स्ट जो होता है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे होता है, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा यहाँ पे पहुंचाया जाता है, या मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, याद रखिए। हमने अभी कहा था, हमने यहाँ कहा था कि धमनी और सिरा, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्टरी और वेन कहते हैं, VEIN वेन कहते हैं। तो इसमें प्योर ब्लड बहेगा, शुद्ध का सू लिखेंगे तो आपको आंसर मिल गया, हमेशा क्या हो, किसमें बहेगा, दैट इज द धमनी में हमेशा प्योर बहेगा, ठीक है। और मान लो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो प्योर लिख लीजिए, तो प्योर में आप देखिए इसमें आर तो है ही नहीं, तो इसमें आर है, ये कीवर्ड है। तो आर्टरी में ऑलवेज क्या होती है, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। तो आप दोनों में एक्सेप्शन देखेंगे, एज वी नो कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, बट उसका जो है क्या है, उसका
एक्सेप्शन या अपवाद क्या है, जब पल्मोनरी या फुफ्फुसी वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो उसका जस्ट एक्सेप्शन या अपवाद हो जाएगा। जैसे कि शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरी में फ्लो होती है, बट उसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसी धमनी, जिसमें क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगी, क्योंकि वो अपवाद है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली हमको पता है कि वेन में ऑलवेज क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है, वेन में हमेशा क्या है या सीरा में अशुद्ध रक्त बहती है, लेकिन उसका अपवाद क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा पल्मोनरी या फुफ्फुसी प्रकार का सीरा, जिसमें क्या बहेगा प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे कि इसमें शुद्ध अशुद्ध वाला कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमने ये तरीका बताया। ठीक, अब यहां पे इस बात को समझिए, तो जो ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है फेफड़ों द्वारा जब शुद्ध किया वाला रक्त जो होता है, फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़ा का काम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, प्यूरीफाई करना। ठीक है, इस बात को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुसी द्वारा यानी पल्मोनरी वेन द्वारा हृदय के लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचाया जाता है। ध्यान देंगे, ये अभी आज ही सर्कुलेटरी पढ़ेंगे, ये ब्लड का फ्लो कहां से हो रहा है, लंग्स में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जा रहा है, पल्मोनरी वेन द्वारा हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंच रहा है। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम आप याद रखेंगे, आपका बायां आलिंद में क्या पहुंच रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, तो दायां आलिंद से फिर दायां नहीं ले जाएगा, हम उसको अभी आज पढ़ने वाले हैं, तो बस यहां पे रिकॉल करके रखिएगा इसे। ठीक, ये बात समझ सभी को क्लियर आ गई, तो किसमें प्योर किसमें इम्प्योर बहेगा आसानी से आप बना लेंगे। अब आगे देखते हैं कि ये है कि जब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है कि उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट या श्वसन गुणांक। तो किसका श्वसन गुणांक ज्यादा होता है, किसका कम होता है आपको पूछा जाए, तो यहां पर देखिए कि जब देखते हैं कि रिलीज वाली CO2 अपॉन इनसाइड ली गई जो है O2 का जो है हम उसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है वैल्यू 1 होता है, प्रोटीन का क्या होता है 0.90 होता है, फैट का 0.70 होता है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे स्टार कर लें, कई बार पूछा जाता है आपको, सिंपल पूछेगा ये, फिगर नहीं भी पूछेगा तो आपको पूछेगा कि मैक्सिमम आरक्यू रेस्पिरेशन कोशेंट किसका होता है, तो 1, 2, 3, तो सबसे ज्यादा कितना होगा, किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन द फैट। ठीक, ये बातें आप याद रखेंगे। और डिफरेंट टाइप के डिसीज हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब हम यहाँ पे श्वसनी या श्वसनिकाओं के शोथ के कारण हमको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है उसे हम अस्थमा कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, जिसमें कि उसमें श्वसनी में क्या होती है सूजन या जलन होती है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एम्फिसीमा एक होता है जो जिसमें कि आपकी एल्वियोलाई जो होती है डैमेज हो जाती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस जो है नहीं हो पाता उसे एम्फिसीमा कहते हैं। ठीक है, ये बात सभी क्लियर हुई। आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम देखते हैं दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे देखिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीज आएंगी, हार्ट आएगा, ब्लड आएगा और ब्लड वेसल्स आएगा, ये तीनों चीजें मिलके बनेंगी, हार्ट पंपिंग करेगा, ब्लड फ्लो होगा विद द हेल्प ऑफ दिस वेसल्स। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने जो है डिस्कवर किया था, खोज किया था, विलियम हार्वे साहब ने, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और कब, 1628 में इन्होंने किया था। अब यहाँ पे जो होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे भी एक बात आती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण जो शरीर में रुधिर के संचरण में सर्वाधिक भूमिका हृदय की होती है, और हृदय जो होता है परिसंचरण का मुख्य भाग होता है, सिंपल सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ये कहा जा रहा है। और इसमें जब देखते हैं तीन पार्ट जो हमने बताया 1, 2, 3, ये वही पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्या क्या पार्ट है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे, कुछ ब्लड में देखेंगे, कुछ हार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में कुछ बातें समझनी होगी।
ब्लड क्या है? एक लिक्विड जो है हम कह सकते हैं सेल्स है, तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है और तथा नेचुरल कोलाइड है और दो जो है ऐसे एलिमेंट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, सेकंड वन इज द ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना है। ब्लड सेल फर्दर डिवाइड हो जाएंगे और प्लाज्मा का अपना एक रोल है। प्लाज्मा के बारे में याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में कुल रक्त आयतन का, टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और यह क्या है? एक कलरलेस फ्लूड है। इसका जो है मैक्सिमम पार्ट लगभग 90% क्या पार्ट होता है? वाटर होता है। तो जो प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है? 90% जो है पूरा वाटर होता है। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? CO2 हार्मोन्स तथा अपसेस को लाने ले जाने में काम करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैस में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? RBC का होता है 98.5%। 1.5% किसका काम होता है? इसी प्लाज्मा का होता है। ठीक है, ये बात तो समझ सभी क्लियर हो गई। दूसरा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है चार तरीके से होता है। इसमें हमने बताया कि पहले बाइंडिंग होगा किसके साथ? CO2 के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। उसके बाद हमने देखा उसमें भी प्लाज्मा का रोल आ रहा था और थर्ड बाइकार्बोनेट है, चौथा जो है कार्बामिनो था। तो यहाँ पे इस बात को समझ पाए कि प्लाज्मा जो है यहाँ पे ये भी काम कर रहा है CO2। ये CO2 की बात पढ़ी थी हमने वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बात है ये अपसेस को लाने ले जाने में काम करता है। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसे कहते हैं ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, है ना। और यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, लीवर में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, है ना। ब्लड सेल्स में क्या होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट आदि का जो निर्माण है जन्म से लेकर एडल्ट तक जो है रेड बोन मैरो में ये क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे बस ये सभी बातें जो प्रोटीन का है, खासकर ये जो परसेंटेज अब पूछा जाता है। अब ब्लड सेल में देखते हैं क्या है। एक होता है RBC, RBC को और किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। RBC को और किस में जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। और WBC को क्या नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट को प्लेटलेट ही कहा जाता है। तो ये तीन कंपोनेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका जो है बेसिक बातें, तो बेसिक बातों में देखिए RBC का जो होता है, RBC क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो RBC क्या होती है? एक क्या होती है? गोलाकार होती है। इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है इसमें। तो RBC के बारे में खास बात हमने समझा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा था? वो कलरलेस होता है। इसमें क्या होती है? गोलाकार होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, लाल वर्णक के कारण इसका कलर जो है रेड होता है। और ये ऑक्सीजन के दहन का कार्य, ऑक्सीजन के वहन का काम करता है, माई मिस्टेक, दैट इज एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका लाइफ साइकिल में कितना इसका होता है? 120 डेज का होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसका अगर लाइफ स्पान पूछा जाए कितने दिन जीवित रहती है, दैट इज 120 डेज। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। उसका pH कितना होता है? 7.3 से 7.4। तो अगर एक वर्ड में कहूं तो 7.4 होता है। ठीक, अब यहां पे होता है कि एक जो होता है पार्ट होता है स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, जहां स्प्लीन प्लीहा को RBC का कब्रगाह भी कहते हैं, क्योंकि यह डेथ RBC का क्या करती है? निपटान करती है, वहां पे उसको डिमोलिश करती है। ठीक है, डेड वाले पार्ट को। ठीक, तो यहां पे इस बात को ध्यान देंगे, दैट इज द RBC को क्या, RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करता है। ये हम उसमें आगे पढ़ेंगे भी। अब जो RBC के नंबर्स हैं 4.6 टू 6.0 मिलियन होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था इसे, जिसमें मेल में ये होता है, वेमेन में जो होता है, फीमेल में 4.2 से 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और यहाँ पे देखते हैं एक हेल्दी पर्सन में क्या है, रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ये भी इस प्रकार के फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है? तो हीपेरिन या एंटीथ्रोम्बिन नामक क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है, जिसके कारण जो है ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाती आपके बॉडी के अंदर। जैसे बॉडी के बाहर निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो ब्लड वाले पार्ट में उसे देखते हैं।
तो अब क्या होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या होता है ये अनियमित आकार के केंद्रक युक्त होते हैं। अभी आरबीसी में हमने देखा उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है मिलता है। और इसमें रुधिर में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी कणिकाओं की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। ठीक है, आरबीसी के नंबर्स तो कई बहुत सारा देखे हमने, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के नंबर्स जो होते हैं कम होते हैं, और ये संक्रमण में शरीर की रक्षा करती है, ये पहरेदार के रूप में काम करती है, इसी भी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। ये रक्त कोशिकाओं की सबसे बड़ी होती है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आप 2 से लेकर 10 तक किसी भी, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 13 दिया है, तो डोंट बी कन्फ्यूज, आप 10 से 13, 2 से 10, 10 से 12 आप लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे। जनरली अगर ऑप्शन क्लोजर ऑप्शन नहीं देगा, 5 से 8 नहीं देगा, ठीक है, या तो 2 से लेकर 13 तक का पूरा दे सकता है, तो कोई भी रेंज वाले में आप उसे टिक कर सकते हैं। जनरली इसमें बाकी ऑप्शन देंगे तो सीधा सीधा होगा, 20 से 50 होगा, या 100 से 200 होगा, तो आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा वेरी करता है। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, सूक्ष्म और रंगहीन होती, ये भी कलरलेस होती, प्लाज्मा भी कलरलेस थी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं मिल रहा था, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग, रक्तवाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के समय में क्या है, ये सहायक होता है। ब्लड, आपको चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे ये उसका रोल होगा कि क्लॉटिंग में ही आपकी हेल्प करेगा। ठीक, ये बात सभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे देखते क्या है कि ये जो ब्लड पार्टिकल्स, इधर होता है आरबीसी, इधर होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे इनका काम है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखते हैं वो होता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को फर्दर क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, एक ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट, कणिका युक्त और अकणिका युक्त। ठीक है, तो कणिका युक्त एग्रेन्युलोसाइट किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, कणिका रहित होता है, और यहां पे इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स में इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, पार्टिकल्स मिलता है। तो एक ग्रैन्युलोसाइट फर्दर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होंगे, और ग्रैन्युलोसाइट 3 प्रकार के होंगे। इसमें बेसिक बातें समझिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे एकदम स्टार कर लें। ठीक है, ये स्टार कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये बातें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट इस स्लाइड से आएंगे। देखो, लिम्फोसाइट का नाम सुने होंगे, इसका काम क्या होता है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी निर्माण उत्पादन में क्या होता है, सहायक होता है, और बी सेल्स और टी सेल कोशिकाओं में डिवाइड होता है। तो 20 से 25% क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है एक ग्रैन्युलोसाइट में फर्दर 2 पार्ट, एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या होता है, ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होता है, बी सेल्स और टी सेल्स में डिवाइड होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, लिम्फोसाइट। वैसे हम बात करें कि मोनोसाइट्स, तो 2 से 10% होगा किसमें, ग्रैन्युलोसाइट में, अकणिका युक्त वाले में, है ना, एक ग्रैन्युलोसाइट में। तो एक ग्रैन्युलोसाइट में क्या है, सबसे छोटा क्या है, मोनोसाइट। तो इसे क्या कहते हैं, भक्षक कोशिकाएं या फैगोसाइट्स भी कहते हैं। ये सबसे बड़े क्या हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या है, लिम्फोसाइट। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या है, मोनोसाइट। ठीक, वैसे ही हम बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट में, कणिका युक्त वाले में, तो इओसिनोफिल्स या इसे क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स, है ना। तो इओसिनोफिल्स बढ़ जाता है तो आपको दिक्कतें होती हैं, तो इसनोफीलिया कह देते हैं उसे। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन फैगोसाइट, अभक्षक कोशिका है, एलर्जी तथा प्रतिरक्षण में ये सहायता करता है। ठीक है, तो इसके नंबर्स बढ़ना मतलब दिक्कतें करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स भी नॉन फैगोसाइट्स है, हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन का वहन करता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, इसे फैगोसाइट भक्षक कोशिकाएं कहते हैं, मैक्रोफेजेस भी कहलाते हैं ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड का क्या फंक्शन है, और ब्लड का फंक्शन में देखते हैं कि ब्लड में क्या होता है, पीएच आयनों को क्या करता है, ये इसको बैलेंस करता है, संतुलन करता है, चोट भरने में सहायता करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में लक्षित अंगों तक हार्मोन का परिवहन करता है, यानी कि लक्षित अंग मतलब टारगेट ऑर्गन्स तक हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है।
ठीक है। वैसे ब्लड क्लॉटिंग करने में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है, अदरवाइज जो है आपको बार बार क्लॉट चोट लग गई तो खून बहते ही जाएगा, क्लॉटिंग नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। विभिन्न डिफरेंट ऑर्गन तक से क्या है, वृक्कों तथा अपशिष्ट पदार्थों क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। किडनी और डिफरेंट अदर अपशिष्ट जो है वेस्ट पार्ट का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करता है, एक्सटर्नल जो है जो भी बैक्टीरिया वगैरह से उसे आपको प्रोटेक्ट करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और ऑक्सीजन का आप समझ ही गए होंगे। तो ये बातें होती हैं। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। इमेजिन करिए कि किसी को चोट लगे, ब्लीडिंग होना चालू होता है। ब्लीडिंग जैसे चालू होता है तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है। जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ब्लड में क्या होता है, ये जो प्लेटलेट होता है, ब्लड में हमने पढ़ा कि प्लेटलेट होता ही है, ठीक है। WBC, RBC और प्लेटलेट, हम इस बात को समझ ही चुके हैं, जिसमें कि प्लाज्मा भी है उसमें, ठीक है। इस बात को समझ गए तो जो प्लेटलेट होता है, तो ये प्लेटलेट जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ये क्या कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टी का सीक्रेशन कर देता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टीन है ना, ये कब हुआ, जब एयर के कांटेक्ट में आए, उससे पहले थ्रोम्बोप्लास्टीन का सीक्रेशन नहीं होता है ना। ब्लड में प्लेटलेट से एयर के कांटेक्ट में आते ही इसमें क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टीन का सीक्रेशन हो जाता है। जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टीन किसमें, कैल्शियम आयन्स के साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम का आयन कहाँ है, आपके उसी ब्लड में, ठीक है। और कैल्शियम आयन जो है किसमें, ब्लड में उपस्थित क्या उपस्थित है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए। थ्रोम्बोप्लास्टीन प्लस कैल्शियम आयन जो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये बात सभी क्लियर हो गई। जब ये थ्रोम्बिन होगा, ये थ्रोम्बिन अब क्या करता है, ब्लड में एक प्रोटीन मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहते हैं, जो सॉल्युबल होता है, जो क्या है, ब्लड में घुला हुआ रहता है। वो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इस फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्शन करेगा और वो क्या कर देगा, इसे फाइब्रीन में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रीन फाइबर में, तंतु में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार क्या होता है, नेट नुमा, जाल नुमा इस प्रकार स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये है तो प्रोटीन ही, क्योंकि फाइब्रिनोजन फाइब्रीन में कन्वर्ट हुआ है, ये सॉल्युबल था, ये नॉन सॉल्युबल हो जाता है। तो नॉन सॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, तो इस प्रकार नेट बना लेता है, जाल बना लेता है। और जितने भी ब्लड ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स में जितने भी कणिकाएं हैं वो क्या है, इसमें फंस जाती हैं। और फंसी हुई इस प्रकार ट्रैप्ड रेड ब्लड सेल्स जो होती है, फाइनली क्या होता है, वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। सिंपल सी बात है, रिपीट करूं, प्लेटलेट एयर के कांटेक्ट में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, हो गया कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन किया, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। थ्रोम्बिन जो है ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजन को के साथ रिएक्शन करके फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल नॉन सॉल्युबल फाइब्रिन आपके फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, जो नॉन सॉल्युबल है। और यहाँ पे देखते हैं, ये नेट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि ब्लड सेल आके फंस जाती है, डेंसिटी बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। कौन सा विटामिन इसमें हेल्पफुल है, विटामिन के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ब्लड जो है बॉडी के अंदर क्यों क्लॉटिंग नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ हिपेरिन, हमने आज पढ़ा स्टार्टिंग में, तो ये बातें सभी को क्लियर हो गई। तो आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ते हम, ये होता है आपका क्या है, ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने किया था, कि सभी मनुष्य में ब्लड जो होता है एक समान नहीं होता। इसमें क्या है, इसका जो है ब्लड होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की प्रोटीन एंटीजेंस के कारण जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि आपको ब्लड ग्रुप पता है, ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी में का ओ है। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं, ये होता है ब्लड ग्रुप ए बी, क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता होता है, ठीक है, इस बात को समझ में क्या आ गई। अब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की बात करें, मान लो इसे हम कहेंगे एंटीजन, इसे हम कहेंगे एंटीजन और इसे हम कहेंगे एंटीबॉडी, ठीक है, ये होगा एंटीबॉडी। तो किसमें कौन से प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी होगा, तो बहुत सिंपल है, देखिए ए होगा तो ए ही प्रकार का इसमें क्या होगा, क्या होगा, एंटीजन होगा,
ये बात है सभी क्लियर हो गई। लेकिन इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी प्रकार का होगा। सिमिलरली बी अगर ब्लड ग्रुप है तो बी प्रकार का एंटीजन होगा, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए बनेगा। और अगर ए बी प्रकार का क्या है, आपका ब्लड ग्रुप है, तो ए एंड बी दोनों प्रकार का एंटीजन मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, है ना, जीरो इस प्रकार कर लें। और यहाँ पे अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ है तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी प्रकार का इसमें एंटीजन नहीं मिलता। एक्चुअल में इसको जीरो भी कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिलता, आपका एंटीजन नहीं मिलता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या मिलेगी, ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, इस बात को समझ में आ गई सभी को। ए ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप तो बी एंटीजन, ए प्रकार का एंटीबॉडी। ए बी है तो ए एंड बी दोनों प्रकार का एंटीजन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें क्या है, आप समझेंगे कि आप में आपके ब्लड में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं मिलता, लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रकार का बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये है आपका ब्लड ग्रुप का, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डोनर ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये एंटीजन पूछा जाए तो इसी के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं कुछ, बट इतना आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम। अब हम यहाँ पे समझते हैं हार्ट के फंक्शन को, और हार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं सभी पॉइंट्स को यहाँ समझेंगे। ये देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी का हार्ट है, तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो हार्ट है वो फोर चैम्बर होता है। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें तीन चैम्बर वाले पाए जाते हैं हार्ट, वो होता है एलिगेटर। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या है, चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आलिंद और नीलय, दायां आलिंद दायां नीलय और बायां आलिंद बायां नीलय। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये होता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम। फिर आप देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे चार चेंबर होते हैं। तो आपके हार्ट के फंक्शन को समझना बिल्कुल आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चित्र दिख रहा है, बहुत सिंपल है। आपको याद रखना होगा कि हमको दो तीन बातें जो अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया, बस उसी पार्ट को। सिंपल सा पॉइंट है कि हमको क्या पता है किसमें प्योर ब्लड बहता है, धमनी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। लेकिन इसका धमनी यानी कि आर्टरी, ठीक है, तो यहाँ पे धमनी मतलब आर्टरी। अब इसमें कौन सा इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे याद करेंगे ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला होगा। तो यहाँ पे धमनी क्या होगा, क्या है, हमेशा क्या होगा, शुद्ध होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पल्मोनरी, तो ये अशुद्ध हो गया। वैसे ही हम सीरा की बात कर रहे थे, यानी कि हम वेन की बात कर रहे थे, तो इसमें हमेशा क्या होता है, शुद्ध बहता है, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध बहता है, माई मिस्टेक, इसमें क्या होता है, अशुद्ध बहता है। तो अशुद्ध होता है तो इसमें क्या, पल्मोनरी वर्ड यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पल्मोनरी वर्ड यूज कर देते हैं तो ये फिर प्योरी प्योर ब्लड इसमें फ्लो होगा। तो आपको बस इधर की बातों को भूल जाना है, सिर्फ एक एक्सेप्शन को याद रखना है अभी। तो हमको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, और पल्मोनरी वेन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, जो दोनों का अब एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब याद करिए, मैं थोड़ी देर पहले बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि पल्मोनरी वर्ड जब यूज करते हैं तो वहां पे एक पार्ट आया था कि लेफ्ट आर्ट्रियम में बायां आलिंद में क्या होता है, एक वेन खुलती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन का क्या है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वर्ड है, सीरा में हमेशा, वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता, लेकिन पल्मोनरी है तो प्योर, मतलब ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, O2 वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ रहा है, मतलब सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, सीधा आ रहा है आपके लंग से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लंग्स लिख सकता हूँ, क्योंकि वहीं से आ रही है, ऑक्सीजनेटेड वाली आ रही है। ये सीधा कहाँ आता है, आपके लेफ्ट आर्टरियम में, बायां आलिंद में। अभी मैं इसका फ्लो चार्ट भी बताऊंगा, पहले समझ जाइए। यहां से खुला किस में, ये है आपका लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट आर्टरियम में, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे एक वॉल मिलता है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड, बायां है तो बाइकस्पिड, दायां है तो ट्राइकस्पिड, लेफ्ट है तो बाइकस्पिड। तो यहाँ पे ये जो ब्लड हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम से बायां आलिंद से बायां नीलय में आ गया। इसमें दो घटनाएं होती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है दैट इज द रिलैक्सेशन या फिर शिथिलन, और दूसरा होता है संकुचन।
एक साथ क्या करते हैं, ये लोग शिथिल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एक साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं। तो जब यहां पे ब्लड नहीं आया था तो रिलैक्स फेज में था, क्या आर्ट्रियम या बाया आलिन। जैसे ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड वाला, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सीधा यहां पे वॉल को खुल गया, सीधा यहां पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहां से ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड कहां बह रहा है, आलिन से नील है, कौन कौन सा, बायां से बायां, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट आलिन से लेफ्ट नील है। तो यहां पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद यहां पे देखिए ये है, और फाइनली इसके अंदर से होते हुए ये क्या है, यहां पे ये होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। तो शरीर के भाग, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो समझ गए, लेफ्ट आलिन लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, पहुंच गया सभी तरह बॉडी की सभी जगह पे ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया। अब यहां पे ये बातें, ये ऑक्सीजन वाला है, अब डी ऑक्सीजनेटेड वाला क्या आ जाएगा, फिर से आप एग्जांपल लीजिए कि हम यहां पे बात कर रहे थे पल्मोनरी का, हमको पता है कि धमनी या आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन हमको उसका एक्सेप्शन पता है कि पल्मोनरी, तो पल्मोनरी में अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा या ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी से यहां पे होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, यहां पे इसमें इम्प्योर वाले CO2 वाले होने चाहिए, ठीक है, इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड वाले होने चाहिए। अब लेकिन ये तो भेजने वाला है, ये यहां पे एग्जिट वाला देख रहे हैं, ये भेजने वाला है, तो आप क्या समझेंगे यहां पे कि ये पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट पार्ट, पल्मोनरी आर्टरी कहां जाके मिलेगा, टू लंग्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वहां पे प्यूरिफाई होगा, यहां पे फ्रॉम लंग्स है, ये क्या हो जाएगा, यहां पे फ्रॉम लंग्स आ जाएगा जो सीधा इधर आया। अब ये निकला कहां से है, ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड निकला कहां से है, तो याद करेंगे वेना केवा एक होता है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर, सुपीरियर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और इंफीरियर नीचे वाले पार्ट से, आपके शरीर के ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना केवा और शरीर के नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना केवा, दो ऐसे क्या है आपके सिरा है या फिर वेन है जो क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। कहां लेके आते हैं, फिर से वही चीजें सेम टू सेम कि ये गया इधर से, ये गया इधर से, कहां खुल रहा है, इस लेफ्ट वाले आर्टरी राइट वाले आर्टरियम में, तो राइट आर्टरियम आया, तो राइट आर्टरियम से जैसे ही आया तो फिर से वही सेम प्रोसीजर कि पहले रिलैक्स है, जैसे ही ब्लड यहां पहुंचा तो यहां भी क्या है, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे होगा ये वॉल, कौन सा वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल जो है खुल जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल खुल गया तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, राइट वाले नीले में आ गया ब्लड, और राइट वाले नीले से यही क्या है सीधा कहां जाएगा, टू द लंग्स आ जाएगा फॉर प्यूरिफाई, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन के लिए कहां जाएगा, ये सीधा लंग्स में जाएगा, वहां पर प्यूरिफाई होके आएगा। तो अब सिंपल सी बात है, समझ में आ गई कि आपको यहां पे समझना क्या है, डीऑक्सीजनेटेड का फ्लो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आते हैं, इसको राइट वाले आर्ट्रियम दायां आलिन में लेके आते हैं, जैसे ही वो एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये कौन सा आलिन या आर्ट्रियम, और रिलैक्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये क्या है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल से यहां पे विद द हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी धमनी और आर्टरी डिफरेंट जो है सीधा सीधा लंग्स को पहुंचा दिया जाता है, वहां ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद घूम फिर के फिर से इधर आ जाएगा और फिर से यहां बॉडी में यहां आ गया, यहां से आके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में चला गया। क्लियर हो गया सभी को, तो इसे आप आसानी से इस तरह समझ लें आपको रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कोई रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये यहां पे हमने किया था लेफ्ट वाला, क्या था लेफ्ट वाला जो है आपका आर्ट्रियम था, तो ये क्या था O2 ऑक्सीजनेटेड था, ये जैसे ही आया तो यहां पे दिस इज O2 वाला है ना, ऑक्सीकृत था ये, प्लीज इसे करेक्ट कर लेंगे। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड जो है आपका क्या है आपका दैट इज ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा सीधा क्या आ जाता है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सीधा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ किसका, किसके हेल्प से हम कर रहे थे याद करिए, भूल गए,
किसके हेल्प से कर रहे थे, ये कौन सा यहां पे आया, तो यहां पे किसके हो से मुख्य धमनी या महाधमनी या एओटा, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, यहां पे किसमें डिफरेंट पार्ट आप किसके द्वारा होगा, महाधमनी, महाधमनी या फिर एओटा के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, अब एक बात आती है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर से ये नया साइकिल इधर वाला चालू होगा, ये साइकिल यहां से यहां फिनिश। अब ये नया साइकिल आया, डी ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड आया लेफ्ट वाले राइट वाले आर्ट्रियम में, राइट वाले आर्ट्रियम से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट, फिर यहां पहुंच गया, यहां पर कौन सा है ट्राइकस्पिड वॉल था, तो यहां पे सीधा लेफ्ट वाले राइट वाले वेंट्रिकल में आ गया, तो राइट वाले वेंट्रिकल से क्या होगा सीधा किसकी मदद से पहुंचा दिया जाएगा, किसकी मदद से, यही वाला पार्ट कि ये आ गया और ये आ गया, तो ये जो होगा आपका पल्मोनरी धमनी, तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा यहां पे क्या जाएगा, यहां पे क्या लिख लेंगे, टू लंग्स है, ज्वाइन कर रहा है लंग्स को, ये सीधा ज्वाइन कर रहा है, एरो है, तो क्या इसके द्वारा पल्मोनरी क्या है आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पे धमनी के द्वारा, यहां पे याद रखेंगे सीधा फेफड़े को ज्वाइन करेंगे और यहां पे फिर ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, ये सिंपल सा पाथवे। अब यहां पे एक दो बातें और रह गई हैं, इसे देख लीजिए, जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर क्या है, हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, बार बार पंपिंग के कारण ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक, जिसमें कि हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हार्ट की गतिविधि मापी जाती है और जो ग्राफ निकलता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहता है, कहलाता है। ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। और ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा, ये 1, 2, 3 तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई जो है पर्सन ज्यादा जो है उस बुजुर्ग हो जाने लगता है, वृद्ध होने लगता है, तो उसका बीपी बढ़ जाता है, ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे अध्ययन किसने किया था, लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन और हार्वे, बताओ। लैंडस्टीनर ने तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे साहब ने ये आपको क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवर किया था। पेसमेकर का क्या काम है, पेसमेकर ये होता है कि हृदय की धड़कन ऐसे नोड से स्टार्ट होती है, साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये पॉइंट स्किप कर गया था। ह्यूमन बॉडी का जो है हार्ट जो है 72 टाइम्स जो है धड़कता है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है ऐसे नोड्स, ठीक है, ऐसे नोड से जो होता है यहाँ पे धड़कन या वो जो है धड़कन वहां से स्टार्ट होती है, हार्ट बीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो 72 टाइम्स होता है, तो वहां हृदय की धड़कन जहां से स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, तो यहां आप इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं क्या है, हम क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्वेश्चन में याद रखें कुछ आज जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, हार्ट है, ठीक है, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, अगर वो काम नहीं करता तो क्या लगाते हैं, पेसमेकर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, पेसमेकर आ ही गया, पेसमेकर क्या काम करता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है, स्टार्ट द हार्ट बीट, जब वो काम नहीं करता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड, ये इसी से रिलेटेड, किससे, हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो ऐसे नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ विच इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर, किस पर प्रेशर डाला जाता है, हार्ट पर, वेन पर, सेल्स पर, धमनी पर, ठीक है, ऑलवेज याद रखना आर्टरी पर डाला जाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, ऑब्वियसली ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए कि ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट का जो है ग्राफ निकालता है, ठीक है। जार्विक क्या है, एक आर्टिफिशियल हार्ट है, आर्टिफिशियल हार्ट जो है उसे क्या कहते हैं, जार्विक कहते हैं। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि लब डब की आवाज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हार्ट से रिलेटेड है। लब डब जो होता है वॉल्व के खुलने और बंद होने पर ये निकलता है,
ठीक है, ये हार्ट से रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी में क्या, हृदय को एक बार धड़कने कितना समय लगता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है एक बार धड़कने कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितने बार धड़कता है, दैट इज 72 टाइम्स। ह्यूमन बॉडी में कितने कोस्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ताकि आपको आज जो पढ़े उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको समझ आ जाए। नाड़ी दर यानी कि पल्स रेट किस मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, तो नाड़ी दर हमेशा किससे, धमनी से, आर्टरी से मेजर किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक 120/80 होता है, ठीक है। ये होता है आपका बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का बीपी क्या होता है, बढ़ेगा घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि आपको जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, 2 बिलियंस, याद रखेंगे 2 अरब टाइम जो है धड़कता है एक ह्यूमन बॉडी के लाइफ स्पान जो होते हैं, ह्यूमन का जो है नॉर्मल जो होते हैं औसत एज के हिसाब से, एवरेज एज के हिसाब से ये क्लियर किया गया है, कंसीडर किया गया है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या है, पंपिंग की तरह, ऊर्जा की तरह, टेम्परेचर क्या है, तो ऑब्वियसली पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी क्या है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एओटा है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत सारे और भी चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट के दौरान डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।